उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में सेमिनार में आए हुए सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य कर रहे हैं, हम भी इस दिशा में उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि लखपति दीदी योजना, सशक्त उत्सव बहना योजना के तहत बैंकों से ऋण लेने को सरलीकरण बनाया जाना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को ऋण और लोन आसानी से मिल सके, इस दिशा में भी कार्य किए जाने चाहिए। स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजन करने वालों को सबको मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस अवसर पर विशेष रूप से मैं नाबार्ड का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे सेक्टरों में, जिसमें कृषि, बागवानी, छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु जो उन्होंने अभी हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर, जो हमारे आसपास के हमारे समकक्ष के राज्य हैं, पर्वतीय राज्य या जिनको हिल स्टेट कह सकते हैं, उनकी और हमारी जो तुलना रहती है और उसमें जो आगामी वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपये का ऋण की जो योजना तैयार की है उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। हमारा मिशन है, उसी मिशन को हमारा नाबार्ड भी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने अनेक बार एक बात को उन्होंने शुरू किया केदारनाथ जी से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसको फिर उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है और वो बात हमारे लिए चरितार्थ भी हो रही है जब हम देखते हैं कि हम तेज़ी से इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे और जो मझोले उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था वो किसी वरदान से कम नहीं है। उनका इससे बहुत प्रोत्साहन होगा, उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि इसकी निगरानी बहुत ज़रूरी है, और ऋण किन लोगों को देना है, कौन लोग इसके लाभार्थी हों, कौन लोग इसके ज़रूरतमंद हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो हमारी मातृशक्ति है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करके कानून बना दिया, आगे के लिए उनके आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, और राज्य में हमने पहले से ही 30% का आरक्षण यहाँ की जो मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको भी उन्नयन की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए 30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी जो हमारी निकलने वाली नौकरियाँ हैं उन सब ने किया है। तो यहाँ पर नाबार्ड द्वारा जो मातृशक्ति है उसके लिए एक विशेष प्रकार की जो योजनाएँ हैं वो योजनाएँ आप अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे तो निश्चित रूप से मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। और जो हमारी अभी मैं लाभार्थी बहनों से बात कर रहा था टिहरी जनपद की आज से 2 दिन पूर्व, तो वो कह रही थी कि हम लोगों ने अभी रक्षाबंधन के पर्व पर लखपति दीदी जो हमारी योजना चल रही है उसी के साथ सशक्त उत्सव बहना योजना हमने प्रारंभ की है, तो उस योजना के माध्यम से उनको बहुत सारा जो अपना बनाया जाने वाला उत्पाद है उसको विपणन करने के लिए एक स्थान मिला था। राज्य सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है, तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इन सबको भी कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण लेने के लिए और नाबार्ड की ऋण योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक लक्ष्य लेकर, एक टारगेट लेकर इस पर काम करना होगा। भाइयों बहनों, ग्रामीण और पिछले इलाकों का जो विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो हमारा रिवर्स प्लान है
इसको रोकने के लिए भी जहाँ सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो बैंकों को भी इसके लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। उसके पीछे हेतु है कि जो समाज में बिल्कुल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उन सबको भी आगे लाया जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे यहाँ निवेश करने वाले और निवेशकों के साथ मिलकर कुछ विशेष योजनाओं पर काम करें जिससे कि उत्तराखंड का समुचित रूप से जो विकास है वो सुनिश्चित किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसी प्रकार हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य करते रहें। आप सभी को इस सेमिनार के सफल आयोजन के लिए मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।